हमारे गांव में अपना घर का धान चावल खाते हैं, और ये है काली मिर्च, ये अपना घर का ही काली मिर्च है। इसको आज ही तोड़ा पेड़ से, काली मिर्च का पेड़ दिखा रहा हूँ। ये पान का पत्ता जैसा जो है ना, ये काली मिर्च का पेड़ है। बेल होता है ये सुपारी का पेड़ पर, ये बेल लगता है। ये काली मिर्च का फूल आ रहा है, ये फूल भी ऐसे ही होता है, पतला पतला डंठल जैसा, इसी में बीज होता है काली मिर्च का। और ये है हरसिंगार का पौधा, हरसिंगार का फूल चला गया, बीज आ रहा है इसमें। ये तुलसी माँ, और ये वाला है चिरेता। ये चिरेता आयुर्वेदिक में काम आता है, किसी का बुखार खांसी ऐसा होने से, खाज खुजली होने से, इसको भिगो के पानी में पीना चाहिए, पानी बहुत कड़वा होता है, इसी रहता बोलते हैं इसको हम लोग। और इसमें लाई पत्ता है और लहसुन है, ये है अपराजिता, ये अपराजिता का फूल, ये वाला अपराजिता का फूल है, और ये अपराजिता का बीज, ये हो गया इसका बेल, और ये वाला हो गया रेड बनाना। इसका अंदर भी लाल होता है, बाहर भी लाल होता है। और ये हो गया अरहर, अरहर का दाल, अरहर का दाल हम लोग लगाते हैं घर पे खाने के लिए। और ये है अरंडी, अरंडी का पेड़, और ये सुपारी का पुली है, सुपारी का पौधा। ये मनी प्लांट, ये वाला देसी एलोवेरा, ये आयुर्वेदिक में भी काम आता है, और ये सो के लिए भी अच्छा होता है। और ये हो गया प्याज, और ये हो गया सतपुती, तुरई बोलते हैं कोई, हम लोग सतपुती बोलते हैं। इसे डब्बा में लगा दिया था, इसी डब्बा में आ गया बीज। और ये हो गया पान, पान को इसे टब में लगा देने से भी हो जाता है, पान का डंठल को। और ये हो गया ब्राह्मी साग, ये ब्रेन टॉनिक होता है, बहुत अच्छा चीज़ है।